कलेक्ट्रेट अमरोहा में फरियाद देकर आए गांव के निवासी कोरोना वायरस के चलते जिलाधिकारी ने किया वापस। आज अमरोहा कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी के पास फरियाद लेकर आए पूरनपुर निवासी थाना डिंडौली पूछताछ करने पर महेंद्र सिंह और गुड्डू ने बताया कि हमारे चकबंदी के पट्टे हैं और पट्टे की जमीन में फसल खड़ी है। कल अचानक पटवारी हमारे गाँव आए थे, उन्होंने हमसे बताया कि आप सभी के पट्टे निरस्त किए गए हैं। इतनी बात सुनकर सभी गाँव के निवासी जिलाधिकारी के पास आए हैं। गुड्डू ने बताया कि हम डीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने हमसे कहा कि अभी कोरोना वायरस जैसी बीमारी चल रही है, 31 तारीख तक किसी का कोई काम नहीं होगा। डीएम साहब ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यात्रा करने ना जाए, अपने घर पर ही रहे। नाम महेंद्र। महेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? पूरनपुर। कौन से थाना क्षेत्र में पड़ता है? डिडोली। बताइए, आज जो डीएम साहब के पास आए थे किस संबंध में? हमारे नसबंदी कराए पट्टे हैं। अच्छा, उन्हें जाकर लेखपाल खारिज करवाते हैं, जितवाते हैं उसके बारे में। क्या डीएम साहब ने, अभी डीएम साहब आपके पास खड़े थे, डीएम साहब ने क्या कहा? मैंने कहा इस टाइम थोड़ी बोलो, 31 तारीख बाद में आपको बताऊंगा। 21 तारीख के बाद में? 31 तारीख के बाद। और फौरन बारिश चल जाए इसके बाद आप आइए, मदद करी जाएगी। कोई और है आपका? गुड्डू। गुड्डू कहाँ के रहने वाले हैं? पूरनपुर। कौन से थाने में? डिडोली। बताइए, आज जो है डीएम साहब के पास आए थे पट्टों के बारे में? आए भैया जी, हमारे पहले भी हम देकर गए थे एप्लीकेशन इस जगह, और कल हमारे यहाँ जो है पटवारी गए थे, उन्होंने पटवारी ने जो भी कही कुछ उसे बताई कुछ उसने बताई, लेकिन उन्होंने निरस्त करने को कही। कहाँ पर है आपके पट्टों की जमीन? झील में है। झील में? हाँ, नसबंदी के पट्टे। डीएम साहब आपके पास अभी खड़े था, डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? डीएम साहब ने कहा कि भाई इस टाइम तो कोरोना वायरस वाला वो चल गया है, इसके बारे में तुम्हें मैं 30-31 तारीख में एक आदमी कोई भी आके मालूम कर लेना, जो मुझसे कार्रवाई होगी या जो कर सकूँगा वो तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। ये कहा डीएम साहब?